जय जिनेंद्र, मेरा नाम रवि जैन है। मैं देवघर का निवासी हूँ। मेरी यूपीएससी में 9वीं रैंक आई है। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं भगवान की कृपा से मैंने सफलता पाई है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्रीन पार्क दिल्ली में 22 जुलाई 2020 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से सम्पन्न हुई ब्रह्मचारी भैया दिनेश जैन मेरठ निवासी की मुनि दीक्षा के भव्य दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के नित्य नियम पूजन मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा से हुआ। भगवान के पूजन के इन सभी उपक्रमों के बाद दीक्षार्थी की दीक्षा संबंधी क्रियाओं का शुभारंभ होता है। पावन दृश्य उस परम पुण्यात्मा दीक्षार्थियों की गोद भराई की रस्म के हैं, जिसने दुनियादारी के तमाम सुख और वैभव त्याग कर वैराग्य के दुर्गम पथ को अंगीकार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। अनेक सौभाग्यशाली भक्तों ने दीक्षार्थी की गोद भराई कर कोटि पुण्य का बंध किया। भक्ति में नाच रहे रंग महारंग मारे आरे भक्ति की गोदी की भक्ति में नाच रहे रे, अरे नाच रहे रे, झूम रहे रे, नाच रहे रे के झूम रहे रे। अरे भैया हो, हमने चैन कुल पाया के नाच रहे रे, हमने गोद भर के आज तो नाच रहे रे, अरे नाच रहे रे और झूम रहे रे, अरे नाच रहे रे के झूम रहे रे। भैया गोदी भरा के हम नाच रहे रे, भैया गोदी भरा के हम झूम रहे रे, झूम झूम नाचेंगे गुरुवर के चरण की तो भक्ति करे मेरे मामा जी। मेरी मामी जी आई है आज तेरे जी की भक्ति करे, अरे भक्ति करे भैया झूम गाए।
कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगल अभिनंदन किया जाता है। दीक्षार्थी दीक्षा प्रदान करने हेतु पूज्य गुरुदेव से विनय करते हैं। माजी के सामने में भी रहा हूँ 6 महीने और 25 साल से मैं साध्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। ओम मेरी पर पूज्या चल गुरुदेव से सौभाग्य से मैंने दे मुनि दीक्षा लेने हेतु अर्घम निर्पामिति। माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर चल पड़ते हैं संयम के विरल मार्ग पर। संयम तप का पूरा पालन कर रहे हैं और हमें आप देखे और दीक्षा ले तो मेरी वो है थोड़े दिन और हमारे साथ रह जाते फिर दीक्षा ले। मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप एकदम मुनि दीक्षा मत लो, आप झलक दीक्षा लीजिए। मुनि दीक्षा में आप कैसे सर्दी गर्मी सहन करेंगे, कैसे सारी परिसर सहन करेंगे। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ आप छुटक भी चलो, अभी इतना नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बार बार कोई मेरे को परेशानी नहीं है। माँ जी के सामने में भी रहा हूँ 6 महीने और 25 साल से मैं साध्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। देखिए ये विनम्रता होती है कि दीक्षा के पहले माता पिता से अनुमति ले रहे हैं, किस तरह से अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए मैं चाहता हूँ, समिति चाहती है कि आप लोग की स्वीकृति पहले मिलती है, लेकिन एक व्यवस्था है बरसों से जो खराब समझोया कुछ ही क्षण में पूरा होगा। कुल का तुमने मान बढ़ाया, धर्म वृद्धि अब परिवार में होती। पत्नी धर्म तो हम सभी निभाती, पति धर्म तुमने है निभाया। स्वर्गों से वो देख रही है, खुशी तो आज उनको भी होगी। अच्छा है कि वो दीक्षा ले। हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप उन्हें मोक्ष मार्ग का रास्ता। चौक पूरे जाने लगते हैं और कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ चलता है। ओ मंगल चौक पूरा के सभी मंगल गाओ, मंगल चौक पुराओ। हरिहंतों को नमन हमारा। दीक्षार्थियों के केश लूंच का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। बिछाओ चार बुरसाठी, सत खिलाओ रे लाओ रे लाओ। आजी इच्छाने चले हैं हर गुप्ती रमा को पाने दिने से भैया। और शिव पथिकों की जय, पन कर चिन अणकार। शिव पथिकों की जय, पाए मुक्ति द्वार। शिव पथिकों की जय, पाए मुक्ति द्वार। शिव पथिकों की जय। दीक्षा लेना आचार्य जी ने कह दिया बहुत आसान है, ये कह देना ही आसान है, बाकी तो कुछ बहुत कठिन है। इतना आसान कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता उन्होंने ये कहा कि यहाँ सामने कम और मंच पर ज्यादा बैठे तो बिल्कुल ठीक बात है, सारे ही तीर्थंकर हो गए होते अगर ऐसा होता तो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज आशीर्वाद ने ममाचार्य सुमद साहब दे ब्रह्मचारी दिनेश सुरक्षा करो नी नमस। ओम नमो रामे 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 नमो
शिवाय नमः केश लोच के बाद दीक्षार्थी चल पड़ते हैं वैराग्य की राह को अंगीकार करने के लिए। राग के मार्ग पर दिनेशी चल पड़े, राग के मार्ग पर दिनेशी चल पड़े। इसी के साथ दीक्षा क्रियाओं की विधिवत शुरुआत हो गई। पूज्य आचार्य श्री दीक्षार्थी को पावन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने लगते हैं। दीक्षार्थी ने पूज्य आचार्य श्री के निर्देशनानुसार सभी परिग्रहों का त्याग किया। पूज्याचार्य श्री द्वारा नवदीक्षित का नामकरण किया गया। मुनि शुभ कीर्ति तुम सोवी। शुभ कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुजर जी सौभाग्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री शुभ कीर्ति जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री के निर्देशनानुसार श्रावक गणों द्वारा नवदीक्षित को शास्त्र कमंडलु एवं पिच्छिका इत्यादि भेंट किए गए। पश्चात नव दीक्षित मुनि श्री अपने दीक्षा गुरुदेव को प्रथम नमस्कार करते हैं और इस तरह ये भव्य दीक्षा समारोह यहाँ सानंद संपन्न होता है। कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी मान्यवर कार्यक्रम को लेकर अपने मंगल विचार सभा के समक्ष रखते हैं। महाराज की जरा हाथ उठा के देखिए, इस कोरोना की महामारी में जब हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हमारी गुरु जी ने मुनि दीक्षा कराकर हमारे मंदिर में दूसरी मुनि दीक्षा है और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता, तो जरा मुनि वर्गों में नमोस्तु करते हुए बहुत आभारी हूँ और आप सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी बाहर से दर्शनार्थी आए हैं उन सब का भी बहुत आभारी हूँ कि इस महामारी के दौर में भी आप सब लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। ज्ञान त्याग और वैराग्य महाराज जी ने कहा किसी उम्र में हो सकता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुनि दीक्षा भी पान में हो रही है। जहाँ ये मुनि दीक्षा जैसे कार्यक्रम होते हैं वो नगरी पूजनीय नगरी हो जाती है और यहाँ पहले भी जो है एक दो बार ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं, 28 साल पहले 9 साल पहले मुनि दीक्षा के प्रोग्राम पहले भी एक दो बार हो चुके हैं। अभी मैंने देखा कुछ मेरठवासी हैं, सिकंदराबाद के भाई साहब हैं, इनकी आँखों में थोड़े आंसू थे मतलब मैंने देखा। लेकिन भाई साहब चिंता मत कीजिए, अभी आपके परिवार ने पूरे जैन समाज जिनका परिवार है, पूरा विश्व इनका परिवार है, हमेशा इनके साथ पूरा जैन समाज, पूरे विश्व का जैन समाज इनके साथ खड़ा होगा। आप बिल्कुल अपने मन में ये ना सोचें कि ये वैराग्य की ओर हो गए, पता नहीं कैसा होगा, महाराज जी ने सबने बताया। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। महाराज जी ये वास्तव में बहुत ही पुण्य का विषय है कि तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों के साथ ये महामंगल कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। दिगंबरी दीक्षा महोत्सव को
जीवन में आपने बच्चों को जन्म लेते हुए देखा है, बच्चों की शादी होती हुए देखा है, लेकिन दिगंबर जैन दीक्षा देखने का अवसर बहुत ही पुण्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अभी आपने देखा कि जो अभी तक कल तक ब्रह्मचारी दिनेश के नाम से जाने जाते थे, अब वह ना उनके तन पर बस्त्र हैं। पहले कहते थे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहते थे मेरठ निवासी हैं, लेकिन ना उनके तन पर कोई ड्रेस है और ना अब उनका कोई एड्रेस है, वह निर्गंत हो गए, मुनि सुकीर्ति सागर जी बन गए। दीक्षा क्या है? दीनता का छेकर आती है, वीरता को जगाती है, यही दीक्षा कहलाती है। दीक्षा पुरानी पर्याय से नई पर्याय में जाना, इसका नाम दीक्षा है। पुरानी अवस्था से नई अवस्था में जाना, इसका नाम दीक्षा है। अभी इनके ऊपर 28 मूलगुणों के संस्कार किए गए, ये 28 मूलगुण जीवन पर्यंत पालेंगे। पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय रोध, षट आवश्यक और 7 विशेष गुणों का इनके ऊपर आरोपण हुआ। आप सभी जानते हैं कि दिगंबर मुनिराज जो एक टाइम भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, वह खड़े होकर खिदी भोजन अर्थात खड़े होकर लेते हैं। खड़े होकर ही क्यों लेते हैं? उसका कारण यह है कि जब तक हमारे पैरों में शक्ति होगी तब तक ही हम भोजन को ग्रहण करेंगे। कच्छ लॉन्च अपने हाथों से 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में केश लॉन्च नियम से उपवास पूर्वक करते हैं। आपने देखा होगा जिस दिन मुनि उपवास करते हैं उस दिन केश लॉन्च करते हैं, उस दिन उनका उपवास भी होता है। हम इसी तरह के और भी मंगलकारी कार्यक्रमों की विशेष झलकियों को अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।